हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसमें बोला गया है, वट एवर यू डिसाइड टू डू, मेक श्योर इट मेक्स यू हैप्पी। मतलब लाइफ में जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, लेट इट बी स्पोर्ट्स, लेट इट बी अ जॉब, लेट इट बी अ बिजनेस, कुछ भी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको उस काम को करने से खुशी मिलनी चाहिए। आपको खुशी मिलेगी तो आप अपना 100% उस काम में दे पाएंगे। अपना लॉन्ग टाइम जो एक जो मान लीजिए कोई एक ऐसा मान लीजिए एक ओलंपिक का आप गेम है जहां पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दौड़ में या फिर जो भी है, तो उसमें अगर आप एक इंटरेस्ट दिखाते हैं कि आपको ये चीज़ ये मेडल लाना है देश के लिए, तो आपको उसके लिए एक लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी, रिग्रेस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। और ये सारे काम करने में अगर आपको खुशी नहीं मिलती, ये सारे काम करने में अगर आपको कोई और फोर्स करके ये काम करवाता है, तो आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप वही काम करें जिससे आपको खुशी मिले। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ और ले लेता हूँ कोरोना अपडेट। और यहाँ पे आज एक नए तरीके का आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा। लगभग पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा, अभी तक मैं रोज 1 करोड़ कुछ बोलता था, लेकिन आज फाइनली ये 2,25,950 का आंकड़ा पार कर गया है वर्ल्ड में कोरोना वायरस के केसेस में। इसमें अगर आप देखेंगे तो 7,34,018 लोग अपनी जान पूरी तरीके अब कोरोना से गंवा चुके हैं। उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे तो लगभग 1,29,621 लोग कोरोना से पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए हैं, अब घर जा चुके हैं ठीक होके। उसी के बाद अगर आप देखेंगे टॉप कंट्रीज़, तो यूएसए बना हुआ है टॉप पे 52 लाख केसेस आप बोलिए इसे। उसके बाद ब्राज़ील 30 लाख केसेस के साथ में, उसके बाद इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर आप कुछ कंट्रीज़ और देखना चाहें तो मेक्सिको, पेरू, कोलंबिया, 9वें पे चिली, 10वें पे स्पेन, ये सारे जो टॉप 10 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए। अगर इंडिया के बारे में देखेंगे तो लगभग 22,15,074 कोरोना वायरस के पूरे पेशेंट्स इंडिया में अब निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे अच्छी बात ये कि 15,35,743 लोग हैं पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक होके घर जा चुके हैं। उसमें से आप देखेंगे ये टोटल जो नंबर है 44,466 लोग जो हैं अब कोरोना वायरस की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति हो गई है ये। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कोझीकोड में केरला के अंदर, ये एक अभी एक बहुत ही हमारे देश में एक विमान हादसा हुआ जिसमें एक एयरप्लेन यहाँ पर लैंड हुआ। और ये स्लिप होने के बाद इसमें लगभग आप देखेंगे कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस पूरे स्लिपेज में। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, जब एयरपोर्ट, ये जो एयरपोर्ट है, ये पहली चीज़ तो टेबल टॉप एयरपोर्ट है, इसमें जब प्लेन लैंड हुआ तो इसके पास सफिशिएंट जगह नहीं मिल पाई कि ये पूरी तरीके से यहाँ तक आके स्टॉप हो सके। असल में हुआ क्या कि ये लैंड कुछ ज़्यादा आगे कर गया, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, जो पायलट था उसे दिखाई नहीं दिया कि कहाँ पे एग्जैक्टली लैंड करना है, और जो टच डाउन था वो उसका गलत हुआ। इस वजह से ये पूरा जो प्लेन था वो यहाँ से स्लिप होते हुए फिर यहाँ नीचे आके गिर गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान और देखने को मिला। आप ये समझ सकते हैं, ये जो एरिया है, ये बेसिकली ये जो एरिया होता है, यहाँ तक आपको प्लेन को रोकना होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे खाई टाइप की वैली थी जिसके नीचे ये प्लेन जाके गिर पड़ा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखें इस प्लेन के बारे में, तो ये जो प्लेन है, ये बेसिकली एयर इंडिया का जो प्लेन था, ये दुबई से चल के इंडिया को आ रहा था, केरला के अंदर कोझीकोड एयरपोर्ट के लिए इसने उड़ान भरी थी, और वहीं पे इंडिया आके ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्लेन की जो इमेजेस हैं, तो ये सारी जो चीज़ें थी यहाँ पे। इस बारे में जो बात करी जा रही है, सबसे पहले आप देखेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो ये विमान था, ये वंदे भारत रिलीफ के जो रिलीफ फ्लाइट के लिए काम कर रहा था, कोझीकोड के अंदर इसे ये जो पूरा विमान हादसा देखने को मिला, इसमें 18 लोगों की जान चली गई, और इसमें 2 क्रू मेंबर्स, जो 2 पायलट और क्रू, जो को पायलट जिसे आप बोलते हैं, वो लोग भी अपनी जान गंवा बैठे इस पूरे प्रकरण में।
हालांकि इसमें आप देखेंगे इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें ट्रेवल कर रहे थे, लगभग 100 से ऊपर लोग थे, लेकिन इतने ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हो पाया जिस लेवल पे एक आप सोच समझ सकते हैं कि क्योंकि एक कोई भी जब प्लेन का हादसा होता है जिसमें जहाज का कुछ कोई एयर क्रैश हो जाता है या कुछ, तो फिर काफ़ी बड़े पैमाने पर त्रासदी देखने को मिलती है, लेकिन उस तरीके की त्रासदी यहाँ देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लॉस ऑफ देयर लाइव्स एंड मैनी लेफ्ट सीवियरली इंजर्ड, काफी ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड भी हैं। ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, दुबई से वापस इंडिया लौट रहे थे, और जो इसमें काफी ज्यादा इंडियंस थे, इसमें जो ये काफ़ी समय से जो फंसे हुए थे अपने, जो जैसे यूएई हो गया, आपको दुबई देखिए, दुबई में फंसे हुए थे पैंडमिक की वजह से, वो वापस नहीं आ पा रहे थे घर, तो उन्हें वंदे भारत मिशन के तहत इसे वापस लाया जा रहा था। बहुत सारे जो एम्प्लॉयड पर्सन्स थे वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे थे, वो सारे लोग जो वहाँ रह रहे थे वो अब वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। उसी प्रोसेस का एक ये विमान था। इसमें आप देखेंगे क्लियर पॉइंटर्स टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशनिस्ट जो कोझिकोड एयरपोर्ट इन माइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मानसून, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही थी, इस वजह से जो जो लैंडिंग थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। जो टेबल टॉप जिस जो एयरपोर्ट है, मैं अगर अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में, उसमें जब आप देखेंगे ये एक ऊंचा प्लेटफॉर्म पे इसे बनाया जाता है, यहाँ पे तो देखेंगे आप एक्सीडेंट ये प्रूफ करता है फिर से कि जो स्पॉटलाइट ऑन ऑपरेशंस वर कॉल्ड टेबल टॉप एयरपोर्ट्स इन इंडिया। टेबल टॉप एयरपोर्ट बेसिकली क्या होता है? टेबल टॉप एयरपोर्ट आप देखेंगे कि एक ऊंचा सा एक बेस बनाया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पे एयरपोर्ट, जैसा मैंने अभी आपको पिछले पिक में दिखाया भी था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है पूरा एक ऊंचा बेस बनाया जाता है पहले, उसके बाद इसमें एक हवाई पट्टी बनाई जाती है जिसपे ये पूरा जो प्लेन है ये लैंड करता है। टेबल टॉप एयरपोर्ट आप देखेंगे ज़्यादातर जो ऊंचे एरियाज होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पे इसे डेवलप किया जाता है, जिससे कि जो आसपास के लोग वहाँ रह रहे हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना देखने को मिले, और एक इजी टेक ऑफ और टच डाउन देखने को मिले, जिससे कि जो पायलट्स होते हैं उनको परेशानी कम हो। आप देखिए यहाँ पे टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में बोला जा रहा है, ये उन्हीं जगहों पे बिल्ड किया जाता है जहाँ पे जो प्लेटू या हिली सरफेस होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे वन और बोथ एंड्स ऑफ द रनवे ओवर लुकिंग अ ड्रॉप, मतलब दोनों तरफ खाई टाइप का एक रास्ता हो सकता है, मान लीजिए ये भी इधर भी ऊंचाई हो और इधर एंड में भी ऊंचाई हो, तो ये बस इतनी ही रास्ता होता है जिसमें आपको प्लेन लैंड करा के यहाँ तक रोकना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे हमारे देश में कुछ टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के बारे में, तो लेंगपुई मिजोरम के अंदर, शिमला एंड कुल्लू हिमाचल के अंदर, पैक्योंग सिक्किम के अंदर, मंगलुरु कर्नाटक के अंदर, और कोझिकोड और कन्नूर जो है, ये दोनों एयरपोर्ट जो टेबल टॉप एयरपोर्ट ये केरला के अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि कोई भी ऐसा टर्म टेबल टॉप एयरपोर्ट का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। इंडिया में आप देखेंगे एक स्टैट्यूटरी एविएशन बॉडी है जिसमें ये एयरपोर्ट रेफर किए जाते हैं। इसमें बोला जाता है कि सेफ्टी मेजर्स का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा अलग होते हैं नॉर्मल एयरपोर्ट से, क्योंकि टेबल एयरपोर्ट जो होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा ऊँचाई पर होता है, जिस वजह से काफ़ी बार इसमें जो फ्लाइट्स के टेक ऑफ और टच डाउन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक अच्छा निपुण और बिल्कुल इंटेलिजेंट जो पायलट होना चाहिए, जिससे कि वो बिल्कुल करेक्ट लैंडिंग करा सके करेक्ट टाइम पे, क्योंकि आप देखेंगे जो टेबल टॉप एयरपोर्ट होते हैं उसमें आगे जगह नहीं होती, इसलिए गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। और नॉर्मल आप एयरपोर्ट देखेंगे तो उसमें जो एयरपोर्ट ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एरिया छूटा हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ जगह की कमी नहीं है, कुछ भी ऊंचा बनाना नहीं, इसलिए उसको प्रॉपर बना के छोड़ दिया जाता है लंबा एरिया, जिस वजह से कई बार देखने को मिलता है कि वहाँ पर अगर कोई इस तरीके की हादसा होता भी है तो उसमें जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आप एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये केरला का जो एरिया है, यहाँ की बात की जा रही है कि कैसे ये पूरा जो एयरप्लेन क्रैश देखने को मिला। अगर आप देखेंगे कोझिकोड जो एयरपोर्ट है वहाँ पे 2860 मीटर का ये पूरी स्ट्रिप थी, जो एयर स्ट्रिप जहाँ पे प्लेन टेक ऑफ करता है, इसमें आप देखेंगे इसमें RESA यानी कि रनवे एंड सेफ्टी एरिया जो था
वो लगभग 240 मीटर्स का था, जो कि अब घटा के 90 मीटर कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं, टेबल टॉप एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जो RESA है ये मिनिमम 90 होना चाहिए और मैक्सिमम 240 होना चाहिए। तो मैक्सिमम 240 करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा एक आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक जब ज़मीन आप ऊंची करते हैं बहुत बड़े एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत, मिट्टी की और एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की मैनेज करना होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, इसलिए अक्सर देखने को मिलता है मिनिमम में ही काम चलाया जाता है। और जिस वजह से ये एक बड़ा हादसा देखने को मिला, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि वो पूरे जो ये इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, इसका पूरा टेक्निकल एविडेंस गैदर करेगी, इसके सारे जो प्रूफ है वो गैदर किए जाएंगे और प्रॉपरली इसको आने वाले टाइम में ऐसे कोई दूसरे हादसे ना हो इसलिए प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाएगा, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम किया जाएगा, जिससे आगे चल के कभी भी कोई ऐसा हादसा देखने को ना मिले। कोझीकोड जो क्रैश है इसको प्रॉपरली रिव्यू करा जाएगा, ऑल रिस्की एयरपोर्ट्स जो है वो देखे जाएंगे, ट्रांसपेरेंट रेमेडियल एक्शंस लिए जाएंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में प्रॉपरली इसे मैनेज करके चला जा सके। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक बोला गया है कि इसमें क्या क्या रोल होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, जिसे बोलते हैं ATC। ATC क्या होता है? ATC एक ऐसा बॉडी होता है जो कि जो पायलट को एक दिशा निर्देश देता है, वेदर कंडीशन से रिलेटेड, विजिबिलिटी से रिलेटेड, कितनी बारिश हो रही है, कितनी हवा चल रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ATC को आप ये देखिए, ATC कैन नॉट गिव क्लियरेंस टू कमेंस इफ विजिबिलिटी इज बिलो इट्स मिनिमम। मतलब ATC नहीं बता सकता पायलट को कि कब एयरपोर्ट में पायलट को लैंड करना है या नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा जो पायलट का वो अपना एक डिस्क्रिशन होता है कि वो डिसाइड करे विजिबिलिटी के हिसाब से कि उसे लैंड करना है या नहीं लैंड करना है। ATC की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो पायलट को किसी भी तरीके से रोके कि आपको आप रुक जाइए अभी लैंड नहीं कर सकते। ये सारा पूरा जो एक सिस्टम है ये पूरा पायलट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लेन को लैंड करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। अगर आप देखेंगे व्हाट मस्ट इंडियन एविएशन डू, इंडियन एविएशन को करना क्या चाहिए, इंडिया की जो ज़रूरत है वो है कि वो आने वाले टाइम में किसी भी ऐसा फेटल एक्सीडेंट रनवे या फिर ICAO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करे और आइडेंटिफाई करे कि एक्सीडेंट का कॉज क्या था, क्या पायलट की गलती थी, क्या ATC की गलती थी, क्या वेदर कंडीशन की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, और आने वाले टाइम में उसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ऐसे जो प्रॉब्लम हुई, जो इतना बड़ा हादसा हुआ, 18 से 20 लोगों के बीच की जो जान चली गई, वो ऐसे हादसे ना हो जिससे कि एक सेफ एयर ट्रेवल देखने को मिले। फिर यहाँ पे बात की जा रही है बैलेंसिंग प्रायोरिटी, ये GS 2/3 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2 से तो डेवलपमेंट गवर्नेंस से रिलेटेड और 3 से एनवायरनमेंट से रिलेटेड। आप देखेंगे डेवलपमेंट गोल्स मस्ट बी परस्यूड विदाउट ब्रीचिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कमेंट। इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, विकास लक्ष्यों का पालन पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किए बिना किया जाना चाहिए। मतलब जो भी आप कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट ही बना रहे हैं, या फिर कहीं कोई कोल माइनिंग कर रहे हैं, या फिर कोई और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाल रहे हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है उस पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े, उस पे कम से कम नुकसान पहुंचे, कम से कम जो जानवर हैं कम से कम पेड़ काटे जाएं, ये सारी चीज़ों की एक इंश्योरिटी होनी चाहिए। इसी वजह से अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, मैंने वो लेक्चर भी डिस्कस किया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, वहाँ पर कई सारे सरकार के द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट्स को पास कर दिया गया जिनका कोई भी प्रॉपरली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया और उनको डायरेक्टली पास कर दिया गया कि अब ये प्रोजेक्ट सही है। ऐसा ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे, कई बार आप देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए ये जो पहाड़ है यहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। तो जब ये लैंडस्लाइड होती है, जो मिट्टी है, ये भूस्खलन जिसे आप बोलते हैं, मिट्टी जब बह के नीचे आती है तो अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं सबको बहा के ले जाती है। तो जैसे मान लीजिए घर बना हुआ है, अगर यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड हो गया तो ये बहाते हुए इसको पूरा नीचे ले जाएगी और अपने साथ फिर बहा ले जाएगी। उसी तरीके आप देखिए जब लैंडस्लाइड होती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा जान खतरे में आ जाती है। फिर यहाँ पे अभी फोरकास्ट किया गया और नॉर्मल मानसून के बारे में कि इस बार जो एनुअल फ्लड्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा
नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा वैली में देखिए आप, असम के अंदर बहुत ही ह्यूज एक बाढ़ देखने को मिल रही है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो कोंकण कोस्ट है मुंबई के अंदर वो भी अफेक्ट हुई है, केरला में भी अब काफ़ी ज़्यादा बाढ़ देखने को मिल रही है, और ये पिछले साल भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब केरला में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था, लैंडस्लाइड अभी देखने को मिली इडुक्की के अंदर, जहाँ पे 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये ज़्यादातर टी वर्कर्स थे और काफ़ी ज़्यादा इसमें होमलेस लेबर्स थे जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिसीव 3 to 4 times मोर रेन, 3 से 4 गुना ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, जिस वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पे एक बोल सकते हैं आप फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, जिस वजह से स्टेट जो है वो अब आने वाले टाइम में न्यू मॉडल अडॉप्ट करने के लिए मजबूर हो गया है कि आने वाले टाइम में कैसे ऐसे डिज़ास्टर को मैनेज करके चलना है, पहले से कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है, कैसे जो रिवर्स के किनारे लोगों ने अभी इलीगल तरीके से रहना शुरू कर दिया उनको हटाना है, उनको रिहैबिलिटेट करना है, प्रॉपर कैसे डेवलपमेंट करना है रिवर्स के किनारे के रास्तों का, जिससे कि इन केस जब बारिश या बाढ़ के समय ज़्यादा पानी वहाँ से गुजरे तो कम से कम नुकसान देखने को मिले। आप देखिए लैंड स्लिप्स या फिर लैंडस्लाइड जो होती हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर अक्सर ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवेलेंट होती हैं, इसमें आप देखेंगे 2018 में भी ऐसे ही फ्लड्स देखने को आए थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि केरला ने लगभग 67 मेजर लैंडस्लाइड इवेंट्स देखे हैं इन कुछ पीछे के कुछ सालों में, सेवरल माइनर वंस सिंस 1961 to 2013, तो आप समझ सकते हैं केरला काफ़ी ज़्यादा प्रोन नज़र आता है लैंडस्लाइड्स के लिए। उसी तरीके आप देखेंगे एज पार्ट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग NLSM जिसे प्रोग्राम बोलते हैं, इसके अंदर जो मैप किया गया सेवरल स्टेट्स को, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स के जो स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा वाले हो गए, जम्मू एंड कश्मीर, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स में को काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशंस में रखा गया, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आपको जो पहाड़ देखने को मिलेंगे, हिमालयाज देखने को मिलेंगे, हिमालयाज से होता क्या है जब बारिश होती है तो ये जो मिट्टी होती है ये सड़क के नीचे आ जाती है, जब सड़क के नीचे आती है तो फिर यहाँ पर जो नदी होती है ये सब कुछ अपने रास्ते में बहा के नदी में ले जाती है, इस वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिलता है। नियरली आप देखेंगे 13 ऑफ स्टेट से 14 डिस्ट्रिक्ट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड, आप देखिए 14 में से 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लैंडस्लाइड के लिए ज़्यादा खतरे में है, और जो केरला है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, लगभग 800 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं यहाँ पे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये एक जो वल्नरेबल कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा लोग की रिस्क जो है बढ़ जाती है वो लैंडस्लाइड के चपेट में आने के लिए। इसमें जो ऑब्जेक्टिव ऑफ NLSM मैप ये बताता है कि ये कैसे हेल्प करे स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को, कि वो इनकॉर्पोरेट करे रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड इनटू जोनिंग लॉज, मतलब कैसे पहले से पहले अलर्ट करके रखा जाए उनके, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर सिस्टम बना के रखा जाए जिससे कि इस तरीके की कंडीशन देखने को ना मिले। ये अगर आप देखेंगे ये पूरा वेस्टर्न घाट वाला एरिया जो है इसमें आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद ये केरला और थोड़ा सा एरिया तमिलनाडु का भी आता है, तो ये इस बारे में आप आइडिया रख सकती है वेस्टर्न घाट्स के बारे में, ये जो पूरा है ये ईस्टर्न घाट्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं UPSC के द्वारा कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। अर्थक्वेक जोनेशन मैप्स जो हैं, अगर आप यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक जो हैं इंडिया के जो सेस्मिक जोन्स, आप देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक जो अभी पब्लिश की गई थी रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि जो सबसे लीस्ट एक्टिव जोन्स हैं वो ये देखिए आप जोन 2 में आते हैं, ये जो हैं ये लीस्ट जोन्स हैं, यहाँ पे सबसे कम एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सबसे कम अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद जोन 3 ये मॉडरेट सिस्मिक जोन्स होते हैं जो कि आप येलो वाला रीजन देख सकते हैं, उसी प्रकार जोन 4 जो होता है ये आप ऑरेंज वाला रीजन जो देख सकते हैं ये, उसके बाद जो रेड वाला रीजन है ये हाईएस्ट सिस्मिक जोन है, मतलब सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भूकंप हैं वो आते हैं, और यही कारण है कि अक्सर आपको ये चीज़ के बारे में आइडिया रखना चाहिए कि बींग एन एक्टिव UPSC एस्पिरेंट कि आपका एरिया किस सिस्मिक जोन में आता है। अगर आप किस भी, अब जैसे ये एरिया है, अगर राजस्थान वाले एरिया में रहते हैं तो
आप आते हैं लीस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन में। अगर वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया में रहते हैं तो आप आते हैं हाईएस्ट सिस्मिक जोन के अंदर। तो इस बारे में आप आइडिया रखिए कि आपका जो जोन है वो किस जोन में आता है। इफ़ यू आर अ एक्टिव स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, अर्थक्वेक जोनेशन जो मैप्स है ये इसमें बोला जाता है एनी एक्सरसाइज टू साइंटिफिकली असर्टेन द रिस्क ऑफ नेचुरल हजार्ड्स टू रीजन एज द लॉज आर बेरली इम्प्लीमेंटेड इन द राइट स्पिरिट एंड दिस इज नॉट यूनिक टू केरला। आप समझ सकती हैं कि केरला के अंदर ये कितनी ज़्यादा एक भयावह स्थिति रहती है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपरली जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिस वजह से अक्सर नेचुरल हजार्ड्स की वजह से लोग जान गंवा देते हैं। इंडिया में आप देखेंगे इंडिया इज़ लिविंग इन अ न्यू क्लाइमेट नॉर्मल। आप अभी देखेंगे फ्रीक्वेंट अभी हमारे देश में जो हैवी रेन देखने को मिल रही है, इसी के साथ साथ ड्राई जो समर देखने को मिल रही है। केरला की अगर आप देखेंगे तो केरला की जो टोपोग्राफी है वहाँ पे आप देखेंगे कटिंग स्लोप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हिल्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है सॉइल इरोजन का, क्योंकि तेज़ी से पानी बरसता है और जब वो नीचे आता है बह के तो अपने साथ भूस्खलन करके जाता है, बहुत सारी मिट्टी को बहा के ले जाता है। ऑपरेशनलाइजिंग जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अपरेटस है इसको प्रॉपरली फंड्स एलोकेट करना चाहिए। जो भी स्टेट डिजास्टर फंड है उसको सरकार को चाहिए कि वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसको पैसा देता रहे, जिससे कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा सके, ऊपर जो हाई आइलैंड्स बनाए जा सके जिससे कि कभी भी जब फ्लड आए तो वहाँ पर लोगों को रोका जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, उन एरिया में उनके लिए एक रिलीफ कैंप बना के। जो लैक ऑफ कंप्लायंस देखने को मिलता है प्रिंसिपल्स ऑफन की रीजन व्हाई नेचुरल हजार्ड्स एंड अप कॉजिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अवॉइडेबल कैजुअलिटीज। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो कैजुअलिटीज देखने को मिलती हैं इसमें। फिर यहाँ पे आप देखिए EWS रिजर्वेशन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, GS2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी हमारे देश में आपने देखा कि 100 जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का कोटा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे इसका जो EWS रिजर्वेशन है इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे 10% जो रिजर्वेशन दिया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को इस जो सोसाइटी की है उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ये सही है या नहीं, क्या इनको 10% कोटा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ें कोर्ट चेक करेगा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट की, क्या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के हिसाब से कोटा दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या नहीं दिया जाना चाहिए जनरल कैटेगरी को। तो ये आप समझ सकते हैं लॉ जो है, हालांकि हमारे देश में ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 50% ही टोटल सीट का रिजर्वेशन दिया जा सकता है किसी भी को भी, मतलब SC कोटा आप देखिए, OBC कोटा देखिए, ST कोटा देखिए, अगर इसी में आपने जब ऐड कर दिया EWS के कोटा को यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा को तो ये 50% को क्रॉस कर जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर वॉयलेशन है। आप देखिए अमेंडमेंट्स जो किए गए आर्टिकल 14 यानी कि डिस्क्रिमिनेशन और एम्प्लॉयमेंट के जो ये दोनों आर्टिकल्स हैं इनको ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पहले से ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल की जो स्कीम है। इसमें आप देखेंगे राइट टू, जो आप आर्टिकल 15 देखेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है और आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो इन दोनों जो डिस्क्रिमिनेशन से और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट किए गए ये काफ़ी ज़्यादा इससे आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देखिए कौन कौन अगर कवर किया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, उन कैंडिडेट्स पे अप्लाई करता है जो कि जिनकी फैमिली इनकम बिलो 8 लाख पर ईयर है, मतलब 8 लाख से कम जिनके घर में जिनके जो पेरेंट्स हैं उनकी कमाई है, या फिर उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम है। और इसमें आप देखेंगे अगर उनके पास जो घर है वो उसका एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट या फिर 100 यार्ड का जो प्लॉट है वो उससे ऊपर नहीं है तो फिर उनको ये रिजर्वेशन देने के लिए बाध्यता बन जाती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये सारी चीज़ें 200 यार्ड के बारे में हो जाती हैं जो कि अबव इज नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया। ये सारी चीज़ें इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं कि EWS किसके लिए एप्लीकेबल है। अब ये देखिए आपकी ये जो EWS है ये कैसे बैकवर्ड कास्ट को अफेक्ट करेगा। EWS कोटा को आप देखेंगे इस क्लेम
टू नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग कोटाज ऑफ SC ST। ऐसा सरकार ने बोला है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है जो जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा वो SC ST OBC के कोटा को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप देखेंगे बट इट कैन अफेक्ट द सीट शेयर। ये हमारे देश में जो सीट शेयर है, मान लीजिए एम्स के अंदर डॉक्टर जो बनते हैं वहाँ पे 100 सीटें आई, तो उन जो 100 सीटें हैं उनके सीट शेयर को ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। ये जो एक्सेसिबल होता है ऑल कैटेगरीज एज द EWS कोटा इज कार्व्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग मेरिट कोटा। मेरिट कोटा से निकाल के ये कोटा लाया गया है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में SC ST और OBC को नुकसान देखने को मिल सकता है। लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, जो कि कंपेयर टू प्री EWS रिजर्वेशन सिस्टम के, ये आप समझ सकते हैं EWS रिजर्वेशन जो है ये परसीव किया गया बिगनिंग में कि रिजर्वेशन बेस्ड जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है कंट्री के अंदर, जो आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेसिकली मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके पास उसकी फैमिली में मतलब किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके बाद भी अगर वो कोई अच्छे कॉम्पिटिशन में बैठ के अपना एक एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है तो उसको वहाँ पे जब वो कोटा दिया जाता है तो ये देखने को मिलता है कि सिर्फ इकोनॉमी के बेस पे कि पैसा नहीं है इस वजह से आप उसको कोटा दे रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बिहाफ पे आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो ये इकोनॉमी के बेस में, इकोनॉमी के क्राइटेरिया के बेस में आप रिजर्वेशन देना ये कहीं ना कहीं सही नहीं नज़र आता है, यही बात बोली जा रही है। इसके पॉसिबल अगर आप इम्प्लीकेशंस कुछ देखेंगे तो दो पॉसिबल इम्प्लीकेशन, दो पॉसिबल डिसीजंस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। या तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलते हैं अपर कास्ट जो हैं इसमें अपना जो शेयर है वो लूज़ कर देंगी सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में, अगर 50% कैप का लिफ्ट कर दिया, 50% का जो कोटा है पहले का जो बनाया गया इसमें 50% इसे हटा दिया जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। EWS कोटा जो है ये विल बी प्रोवाइडेड बाय टेकिंग अवे द शेयर, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है ये SC ST OBC का जो शेयर है उससे लेके दिया जाता है EWS को। तो ये दो पॉसिबल इम्प्लीकेशन है जो हो सकती हैं। अरे हालांकि ये अगर होगा तो ये इट विल बी ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेशन, और आप देखेंगे दिस हैव अ सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन टू, मतलब बहुत हमारे देश में जो आप देखेंगे जो एक जातिगत राजनीति होती है वो काफ़ी ज़्यादा हावी है, और इसकी वजह से अगर ये चीज़ सही प्रूव होती है तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे सोशली और पॉलिटिकली। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों ये था टोटल आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे लेक्चर की आपको PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो मेरे टेलीग्राम चैनल IS Sutra से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद।